लिखिए भाई, कोई बात नहीं, अब चालू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव एपी। देखो एपी क्या होती है ये समझी, जैसे मैंने एक सीरीज लिखी 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, नाउ दिस इज एन एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। थ्री सेवन क्या कर रहा बेटा, क्या कर? अब आप ये देखिए इसका फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस डी, दिस इक्वल टू 7 माइनस 3, 11 माइनस 7, 15 माइनस 11, ये सब किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारा इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 4। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 4 और फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू 3, तो फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 4। तो जब भी कोई एपी होती है तो एपी को इस तरह से लिखा जाता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड सो ऑन। तो यदि मैं इसके nth टर्म की बात करूं, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म को हम लिखोगे a5 इक्वल टू a प्लस 4d, हमने बोला 10th टर्म तो a10 इक्वल टू a प्लस 9d, और इस तरह से लिखा आपने, लिखा nth टर्म, nth टर्म आ गया भाई an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, दिस इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, ये हमारी इसकी nth टर्म ऑफ एपी आ गई। सो द nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय ए प्लस एन माइनस वन इनटू डी, ये हमारा इसका nth टर्म हो गई। ऑनलाइन आपको आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है, तो बेटा हमने क्या देखा है यहाँ पर, आपका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एपी, एपी का nth टर्म। अब ये nth टर्म वैसे तो फॉर्मूला याद रखिए आप, लेकिन डायरेक्ट आपका किस तरह से निकाला जाएगा ये समझिए। जैसे मैंने आपसे अभी एपी बोला, इसका nth टर्म मुझे निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस कितना है, कितना कॉमन डिफरेंस है, तो 4n लिख दूंगा, जो भी कॉमन डिफरेंस है उसका मल्टीपल एन लिख देंगे, 4 है तो 4n लिख देंगे, 5 है तो 5n लिख देंगे, तो 4n लिख दिया। अब 4 में क्या करें कि हमारा 3 आ जाए फर्स्ट टर्म माइनस 1, तो ये इसका nth टर्म होगा। जो भी n का मल्टीपल, आप कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, तो 4n लिख देंगे। अब 4 में क्या करें कि हमारा 3 आ जाए माइनस 1, तो 4n माइनस, दिस इज द nth टर्म ऑफ एपी, ये इसका nth टर्म आ जाएगा। अब यहां पर एक चीज समझो, जो आपके nth टर्म ऑफ एपी होता है उसका जनरल टर्म होता है nth टर्म ऑफ एपी, इसका जनरल टर्म होता है कैपिटल ए एन प्लस बी, बी ए की वैल्यू कभी जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए बस। तो ये जो ए है यही आपका डी आएगा, जो भी एन का मल्टीपल है वो क्या आएगा, डी आएगा, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है ये क्या होगा हमेशा, कॉमन डिफरेंस डी होगा, ये डी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, सपोज आपसे बोल दिया जाए, कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि इफ द nth टर्म ऑफ एपी, ऐसे लिख दिया जाए, इफ द nth टर्म ऑफ एपी इज 7n-5 फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी विल बी 7, ये इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा।
चलिए जितना लिख लीजिए भाई, जो जो अभी लेट आए एक बार कॉपी कर लीजिए। लिखो लिखो जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास। अमार, यस सर। कल का क्या शेड्यूल है तुम्हारा? सर मतलब अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद तक बस एक टेस्ट ही है कल। कितनी बजे? सर उसका सर ने अभी तक मैसेज कोई बताया नहीं है। अच्छा, क्योंकि तो मैं ये चाह रहा था कि सुबह मेरी एक क्लास लेने का चाह रहा था मैं, कल तक सुबह सुबह हो। अब कल सुबह अपन क्लास ले तो 8 से 10 ले ले, हाँ सर ले लो, फिर उसके बाद हो जाएगा टेस्ट है। हाँ हम बोल देंगे सर को कि 10 के बाद ले ले टेस्ट। अभी ले ले? ना ना ना, इतना भी थोड़ी, 4 घंटे ले ही नहीं पाएंगे। चलो भाई ये बाकी लोग, अब चलो मैं तुम्हें डिस्कस करके बताता हूँ, है ना? यस सीरीज है आपका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। बेटा ये जो भी लेट आए हैं देख लो, नार्वी सीरीज 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस हो गया 7 - 3 = 4, तो कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। अब आपका जो भी एपी होता है फर्स्ट टर्म को लिखेंगे ए, सेकेंड टर्म हो जाएगी ए प्लस बी, थर्ड टर्म हो जाएगी ए प्लस टू डी, और इस तरह चलता जाएगा तो एनएट टर्म हो जाएगी हमारी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस वाली एपी में इसका कॉमन डिफरेंस 4 है तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 4n, डायरेक्ट 4n लिख लेंगे। अब 4 में क्या करेगी हमारा 3 आ जाए तो माइनस वन, तो 4n माइनस वन। एनएट टर्म ऑफ एपी का जनरल फॉर्म होता है ए एन प्लस बी, और ये ए ही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ये हमारा जो ए होता है यही क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। यदि एनएट टर्म ऑफ एपी ये है तो मैंने क्या बोला, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका? 7। इतना मैंने अभी तक बताया, लिखो इसके आगे। इफ थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन एपी, इफ थ्री टर्म्स ए बी सी R in AP, then 2B equal to A plus C. तो 2B जो है वो किसके इक्वल होगा? A plus C के इक्वल होगा। मिडिल टर्म का डबल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल होगा। मिडिल टर्म का डबल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल होगा। अब कैसे करेंगे ये देख लो, इधर गलत बात है बेटा, ये 10 मिनट लेट होना तो बहुत बड़ी बात होती है, 10 मिनट में तो याद ही क्या क्या हो जाता है। तुमको ही फोन कर रहा था भाई, किसके लिए लगा रहे क्लास? इन्होंने तो सबने पढ़ रखा है, किसके लिए क्लास लगा रहे भाई? तुम्हारे लिए 10 मिनट कुछ भी नहीं होगा, मेरे लिए 10 मिनट बहुत कुछ है। देखो भाई इसमें आगे
एफ एक्स प्लस वन थ्री एक्स फोर एक्स प्लस टू आर इन एपी फाइंड एक्स. यदि एफ एक्स प्लस वन फोर एक्स थ्री एक्स फोर एक्स प्लस टू, तो हमने क्या बोला मिडिल टर्म का डबल इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो 6x इक्वल टू 5x प्लस 3, तो यहां से हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया. सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 3 के इक्वल आ गया. कोई दिक्कत? ये कर क्या रहा है, क्या कर रहा है? ये मेरे को दे दे बेटा, ये डिस्ट्रक्शन है बहुत बड़ा. तो दिक्कत है तो या तो फोन जेब में रख ले सबसे बढ़िया. हाँ, दान करना हो तो कर दे, और तो क्या. फाइंड द नाइंथ टर्म ऑफ एपी रूट टू रूट फिफ्टी रूट 162 एंड सो. अब बेटा सबसे पहली बात तो ये एपी आपको लग नहीं रही होगी कि एपी है, जबकि ये एपी है. अब ये एपी क्यों है ये समझो. बोलिए सभी ऑनलाइन भी, फर्स्ट टर्म क्या है? रूट टू. अब बेटा ये रूट फिफ्टी है, तो रूट फिफ्टी को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट फिफ्टी मतलब 25 इंटू टू, ये है बेटा 5 रूट टू और ये है 9 रूट टू. तो बोलो 5 रूट टू माइनस रूट टू, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका? अब समझ में आया? अब इसका मुझे 9 टर्म निकालना है. ए प्लस 8 डी, ए का वैल्यू रूट टू और डी 4 रूट टू. सो रूट टू प्लस 32 रूट टू, तो आंसर इज 33. इसका आंसर आ गया आपका 33 रूट टू. क्लियर है? लिख लीजिए. तो ये इसका हमारा 9th टर्म ऑफ जीपी हो गया. ऑनलाइन क्लियर है सभी को? यस सर. If A, B, C are in AP, then A minus B plus C is equal to options A, B, 2B, 3B, B by 2. यदि A, B, C AP में है तो A minus B plus C किसके इक्वल होगा? B के इक्वल होगा. बेटा कैसे होगा देखो दर. बेटा अभी बताया थोड़ी देर पहले a प्लस सी की वैल्यू 2b, सो व्हाट इज द वैल्यू b, 2b माइनस b इक्वल टू b. a प्लस सी की वैल्यू 2b होती है, तो 2b माइनस b इक्वल टू b. तो ये हमारा इसका वैल्यू b के इक्वल आ गया. तो कल तुम्हारी इसका मतलब इंग्लिश की क्लास नहीं है, जीसीए वालों नहीं, मैप वालों हमारा? यस सर. नहीं है सर. नहीं है ना? चलो फिर मैं टाइम सेट करके फिर बताता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं भाई. एक क्लास तो लूंगा मैं कल सुबह, अब वो टाइम क्या रखता हूँ मैं बता दूंगा आपको. क्लास तो लूंगा एक, ठीक है, क्योंकि कल सुबह के बाद फिर मैं नहीं लूंगा, इवनिंग में नहीं लूंगा, परसों नहीं लूंगा, ये दो दिन कुछ भी नहीं लूंगा, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है. लेकिन कल सुबह इसको कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट लिखिए.
फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ये प्रॉब्लम भी आ चुका है देखो सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ए ए माइनस थ्री बी फाइव सी आर इन एपी, ए माइनस थ्री बी फाइव कोमा सी आर इन एपी, यदि ये नंबर एपी में है तो हमें सी का वैल्यू निकालना, कौन बताएगा भाई सी का वैल्यू? नाइन, बिल्कुल सही है, इसका वैल्यू सी का वैल्यू नाइन है। अब सी का वैल्यू नाइन कैसे समझते हैं? लगातार दो नंबर का डिफरेंस डी यदि एपी में, तो दो नंबर का डिफरेंस टू डी, बेटा बीच में एक नंबर आ गया तो ये टू डी हो गया कि नहीं हो गया? तो टू डी कितना आ गया आपका? पाई प्लस थ्री, एट के इक्वल आ गया। तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? फोर। एक डिफरेंस डी, दो डिफरेंस टू डी, तीन डिफरेंस थ्री डी, चार डिफरेंस फोर डी। अब यहां बीच में देखो ऐसा होता तो डी होता और ऐसा है तो टू डी है, तो टू डी कितना हो गया? फाइव माइनस और माइनस थ्री, तो प्लस थ्री हो गया, तो डी का वैल्यू क्या आ गया? फोर। अब डी का वैल्यू फोर आ गया तो अगला नंबर क्या हो गया बेटा? फाइव प्लस फोर। आया समझ में? अब यदि कोई मुझे बता दीजिए ए का वैल्यू क्या होगा? माइनस सेवन होगा, बिल्कुल सही है, और बी का वैल्यू वन होगा। तो ये हमारी तीनों ए बी सी की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू माइनस सेवन, बी का वैल्यू वन और सी का वैल्यू नाइन, लिख लीजिए। सर एक बार रिपीट कर दो। एक मिनट के लिए, यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो एक और तरीका बताओ। ये कौन सी टर्म है बेटा, बोल? सेकंड। सेकंड टर्म को लिखेंगे ए प्लस डी। ये कौन सी टर्म है? और टर्म को लिखेंगे ए प्लस थ्री डी। चलो माइनस टू डी इक्वल टू माइनस एट, बोलो डी का वैल्यू फोर आ गया। अब ये कौन सी टर्म है? अच्छा डी फोर आ गया, तो वैसे तो देखो अगली बार डी आपका आ गया तो ये फाइव के बाद अगला नंबर ही तो लिखना है, तो मतलब अगला नंबर कब आएगा किसी भी नंबर का? डी एड करने, तो डी एड करने पर अगला नंबर आ जाएगा फाइव प्लस फोर। अब आया क्या? यस सर। एक ट्रिक याद रखो, डायरेक्ट आ जाएगा तो आप लिख लोगे m टाइम्स द mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, देन m प्लस n टर्म विल बी इक्वल टू जीरो। यदि m टाइम्स द mth टर्म है इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म है, तो बेटा m प्लस n टर्म हमेशा जीरो के इक्वल होगा, m प्लस nth टर्म हमेशा जीरो के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल आपका आ गया 10 times the 10th term is equal to 15 times the, yes, 17 times the 17th term. Then 27 term will be equal to 0. ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक है भाई, मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको सोल्व करके भी बता देते हैं कैसा आया, लेकिन लिखेंगे इसे डायरेक्ट, याद रखोगे तो बढ़िया है। 10 times the 10th term equal to 17 times the 17th term. So 10 plus 17, 27. 27 term 0. Clear hai? अब देखो इसको यदि आप सोल्व करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? 10 times the 10th term equal to 17 times the 17th term. Now what is 10th term? Or 17th term a plus? So 7a plus 162d, 182, 7 से डिवाइड कर दो, और a प्लस 26d कौन सा टर्म होता है? 27 टर्म होता है, इसलिए 27 टर्म किसके इक्वल है?
जीरो के इक्वल लिख लीजिए, 27 टर्म विल बी इक्वल टू जीरो। बोलो लिख लिया। चलिए भाई नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 72, 70, 68 and so on is 40। हमें ये निकालना है कि कौन सा टर्म है। तो देखो या तो आप मान लो इसका एनेट टर्म है ये, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 40। ए का वैल्यू 72 बोलो, d का वैल्यू कितना आ रहा है -2। इसको सोल्व कर लो तो ये आ गया 2n इक्वल टू 72 माइनस 40, तो n इक्वल टू 16 टर्म, n इक्वल टू 16 टर्म। फिर किसी ने बोला सर डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, 74 आएगा सर, तो फिर तो आपका 17 टर्म हो। चलिए डायरेक्ट कैसे लिखेंगे भाई, हमारा कॉमन डिफरेंस है -2, -2 में क्या ऐड करेगी, फर्स्ट टर्म आ जाए 74, येलो 70, ऐसा भी कर सकते दोनों की एक ही बात है, किसी भी तरह से कर, तो -2n इक्वल टू -34, तो n का वैल्यू 70। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, इन एन एपी पीएन रिप्रेजेंट्स द एनेट टर्म, पीएन रिप्रेजेंट्स द एनेट टर्म, ए T7 रेशो T8n इक्वल टू 5:7, then find P8:P11, then find P8:P11। साढ़े छह से साढ़े सात अब दुखी हो गया वो तो सुबह 6:30 सोने नहीं देंगे सर। कब 19:20 अरे कुछ नहीं थे, ये अकाउंट्स मैथ्स वालों का दिमाग खराब होता है, सुनी नहीं, बेकार होते हैं ये टीचर अकाउंट मैथ्स वाले, इनका क्या पता पढ़ाने की क्या है, कभी रख देते क्लास 7:30 रख दी देते बोल रहा है अकाउंट्स वाले क्लास, तेने बोल रहा ना कि 8:00 7:00 रखी, मैंने कहा ये अकाउंट्स वाले और मैथ्स वाले होते ही खराब,
कभी रख देते हैं, मर्जी नहीं आती उनको, क्या घर पे हम चैन नहीं पड़ता है। चलो P7:T10 देखो भाई इसको, P7 A+ 5:7 45D, तो 2A इक्वल टू, तो A इक्वल टू A का वैल्यू 1.5D, ना तो कोई दिक्कत। अब मुझे निकालना है T8:T11, तो T8:T11 देखो, T8:T11 T8 हो गया A+7D, A+10D, 1.5D प्लस 7D और 1.5D प्लस 10D, तो 8.5D अपॉन 11.5D, डबल कर दो भाई 17:23, सो द रेशियो ऑफ 8:11 टर्म इज 17:23 के साथ। चलिए भाई नेक्स्ट, कोई दिक्कत इसमें? विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म of the sequence, which term of the sequence 20, 19, 1/4, 18, 1/2 and so on is the first negative term? First negative term, हमसे ये पूछा है कि इसकी first negative term कौन सी होगी, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म ये देख लो इधर बेटा, बातें मत करो, जिस चीज के लिए आए अपन को वो करना है। डी आ गया -0.75, मैं मान रहा हूं कि एनेट टर्म इसकी नेगेटिव टर्म है, एनेट टर्म विल बी द नेगेटिव टर्म। एनेट टर्म क्या हो गया, A+ का वैल्यू 20 प्लस n-1, डी का वैल्यू -0.75, तो 20 -0.75 एन प्लस 0.75 ये आ गया 20.75 0.75 एन, तो एन इज ग्रेटर देन करना भाई 20.75 को 0.75 से डिवाइड, कितना आ रहा है एन का वैल्यू, किससे ज्यादा आ रहा है 27 point something आ रहा है ना, 7.66। इसका मतलब पहली नेगेटिव टर्म क्या होगी 28 टर्म, उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब 27 से जो अगली वाली टर्म होगी वो कौन सी नेगेटिव टर्म होगी, एक ही बात। सो दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, एनेट टर्म जीरो। अब जैसे एनेट टर्म आपने बोला जीरो ले ले, अब यदि एनेट टर्म जीरो भी आ गया ना आपका, सपोज एन की वैल्यू 17 आ गई फिक्स, तो इसकी नेगेटिव टर्म 18 टर्म होगी, ये चीज ध्यान रखो। क्लियर है ये? अरे भाई क्लियर है सभी को? यस सर। देखो इसको,
If the period term of AP is Q, if the period term of an AP is Q and the Q-th term is P, period term of an AP is Q and the Q-th term is P. If the P-th term of an AP is Q and the Q-th term is P. अरे किसी आंसर में करेक्शन लग रहा है क्या? ऑनलाइन की चेक करवा दूं? हाँ सर, 12th वाले का सर, 38 वाला भी। तो 12th का बता तो दिया आंसर बेटा। 12th का आंसर बी बताया ना मैंने। सर 12th का डी आना चाहिए ना सर, ये पूछ रही थी मैं। बी आ गया तो पार्टी जाएगी। सर आपने तो अभी तक चाय भी नहीं पिलाई हमें। कैसे नहीं पिलाई? जुड़ है ना, तू आई नहीं तो हम मैं क्या करूं? कल पिलाई थी कि नहीं पिलाई थी? हमारा हमारी पिलाई थी सर, हमने पिलाई थी सर। चलो देखो इधर, नहीं पिलाई सर। अरे कल पिला दी तू? अरे तू नहीं आई थी। हमारा तो कभी इसको मान लो आप एक्स ऑन वाई, तो एक्स ऑन वाई हो गया तो बी एक्स वाई इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। नहीं नहीं, ये वाई ऑन एक्स मान लो, तो बी वाई एक्स हो गया माइनस थ्री बाई टू, और ये हो गया बी एक्स वाई माइनस वन बाई सिक्स। तो दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, तो वन बाई फोर। यस आंसर करेक्शन है बेटा, बी नहीं है, सॉरी। अब सही तो है, पॉइंट बी आ रहा है। हाँ बी आ रहा है, पॉइंट फाइव बी आ रहा है सर। अरे डी अंडररूट नहीं करेगी क्या बेटा? सर आपने डी दे रखा है शायद उस। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं दिया, मैंने तो आंसर लिखवाया है अभी। सर एक बार 39 लिखा लो सर, 30 बी। अब इसका कोई दिक्कत है 30 है ना 2012 में? नो सर, नो सर, 12 का आंसर बी है, कोई करेक्शन नहीं है। मैंने जो अभी लिख के भेजा वही है सर। 39 बता दो एक बार। 39 39, 6, 9, 15, 24, 36, 63। इधर देखना, अब देखो मजेदार चीज, इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है? बोलो करेक्शन। तो आपका और टर्म क्या हो गई? 36। अरे 3, 6 और 9 को ऐड किया 15 आ गया, 9 और 15 को ऐड किया 24 आ गया। तो 15 और 24 को ऐड करेंगे तो आना चाहिए 39, जबकि आ रहा कितना है? ठीक, क्लियर? ऑनलाइन यस सर। और 38 तो समझने समझने का फेर है, तेरे को समझ में नहीं आया मतलब, समझने समझने का फेर। हाँ हस्बैंड एंड वाइफ, हाँ हस्बैंड वाइफ ही होगा, समझने समझने का फेर है। सर कृष्णा को ऐड कर लो, अभी तो आया। चलिए जल्दी, हस्बैंड वाइफ ही आएगा और तो कोई ऑप्शन नहीं।
समझ लो, अब इसको समझाने में टाइम वेस्ट करूंगा पागल। एक बार समझने की ट्राई कर। अरे एक जो है दूसरे के सन का फादर है, तो दूसरे का सन का फादर है तो दूसरी उसकी वाइफ ही तो हुई है भाई। सर लेकिन ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन भी तो हो सकते हैं ना। अरे क्या बोल रहा है आप, मुझे पता था ये चीजें है कि, सुन लो मेरी बात। आपने बोला वन इज द फादर ऑफ अदर सन, ये जैसा जो भी है ये इसके बेटे का फादर है, हस्बैंड वाइफ भी तो होंगे बेटा, आप ग्रैंडसन ग्रैंडफादर कैसे हो गए। अरे सुनो, इसके बेटे का ये फादर है तो बेटा ये दोनों आपस में कैसे रिलेट हो सकते हैं, बस हस्बैंड वाइफ, ग्रैंडफादर ग्रैंडसन कैसे हो सकते हैं भाई है? और 33 ये क्यों बताऊं यार, इसमें यार डायरेक्शन सेंस तो मत पूछा करो यार। भाई दो मिनट के लिए भाई पेपर डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपकी कॉपी चेक हो जाए। रिकॉर्डिंग चालू है। इतना और दिमाग लगा। मनोज रन टुवर्ड्स 20 meters टुवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स टू अ राइट एंड रन्स 10 meters, देन ही टर्न्स टू राइट एंड रन 9 meters, अगेन ही टर्न्स टू राइट एंड रन 5 meters, after does he turn to left and run 12 meters, finally he turns to right, in which direction? चलिए अगला और कोई राउंड कौन सा 25 ए भगवान क्या होगा मेरा x माइनस a अपॉन b, बेटा इसका स्केल कितना है 1/b, वेरिएंस क्या होता है स्केल का स्क्वायर इनटू इसका वेरिएंस b है, तो क्या हो गया नए वाले का वेरिएंस, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए इसके अलावा इसके अलावा ऑनलाइन किसी को डाउट, इसके अलावा कोई क्वेश्चन में डायरेक्शन नजर आ रहा है? फाइनल है फिर आंसर की 32 बता दो एक बार। 31 भी 31 इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू आवर हस्बैंड, मेरा मैन हिज ब्रदर फादर, हिज ब्रदर्स फादर Is, येरा मैन, यार तुम बहुत बात कर रहे हो तो फिर जाओ। His brother's father is the only son of my grandfather. Is the brother's father, मतलब इसके बारे में बोल रहा, ये only son है किसके, उस औरत के grandfather के, उस औरत के grandfather के only son, येरी औरत इसके grandfather के only son, मतलब ये तीनों भाई बहन, तो ये और ये कैसे रिलेटेड है ब्रदर सिस्टर? अरे आया तो आंसर नन ऑफ दिस, डॉटर कैसे आ जाएगा, मैन से रिलेटेड तो सिस्टर है, ये मैन एक ही लाइन में है तो सिस्टर आया,